नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार माही एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, आजकल जो कॉपर आता है बाज़ार में, जो तांबा आता है, वो काफ़ी इनप्योर होता है, उसमें काफ़ी मिलावट होती है। क्या करें यदि हमको ओरिजिनल कॉपर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें कोई मिलावट ना हो तो कितना अच्छा होगा। तो आज का वीडियो इससे रिलेटेड है दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिए, आज हम यही बात करने वाले हैं। तो ये छोटी सी वीडियो है लेकिन काम की है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक फ़ैन है जो बाबा दम के ज़माने का है, 1965 का। तो इसको मैंने खोल लिया है, ये ख़राब हो गया। तो इसमें की वाइंडिंग हमने निकाल ली है जो कि ख़राब हो चुकी थी। इस तरह से इसमें जो कॉइलें आती है, ये मैंने निकाल ली है। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा सा सिंपल सा मेल्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को जो भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वो शेयर करूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे जो प्रॉब्लम आती है वो भी आपको आती होगी। तो मैंने इसका वेट कर लिया है, अभी देखिए लगभग ये आधा केजी के आसपास है। जो पहले ज़माने के फ़ैन आते थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट आते थे इलेक्ट्रॉनिक, वो काफ़ी अच्छे होते थे, क्योंकि वो जब ज़माना था कॉपर काफ़ी सस्ता था, सस्ता ज़माना था, जबकि ज़माने में गोल्ड के भी कोई रेट नहीं थे। तो थोड़ा बहुत इसमें गोल्ड का भी मात्रा रहती ही थी, क्योंकि इसमें मैंने जब मेल्ट किया तो इसमें सुनहरी कलर की एक पॉलिश सी मेरे को नज़र आ रही थी, क्योंकि गोल्ड भी काफ़ी सस्ता था जब, तो इसलिए वो ज़्यादा देखते नहीं थे। लेकिन अभी काफ़ी महंगा हो गया ना। तो देखिए, मैंने इसमें ये कर लिया है, इसको एक गुठाली में डाल के इसको भट्टी में रख दूँगा और हम भट्टी चालू कर देंगे। ये काफ़ी दिन से बंद है, अभी देखेंगे, चालू कर लेते हैं। मैंने सोचा ये फ़ैन को कबाड़ में देने से अच्छा है, चलो इसका कॉपर जो है वो रिकवर कर लूँ और आपको भी दिखा दूँ। तो इसके ऊपर मैंने एक थोड़ा सा 2 चम्मच सोया का डालना है, जिससे कि आसानी से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो टेम्परेचर है लगभग 500 के आसपास जा चुका है। अभी बंद कर देते हैं ढक्कन, बाद में देखते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कितना ये गर्म हुआ है, क्योंकि काफ़ी 1-1.5 मिनट हो गया ना इसको। तो देखिए काफ़ी इसमें से धुआं आ रहा है, जो कॉपर के जो कोयला होती है उसके ऊपर पॉलिश रहती है, वो पॉलिश भी जल गई और ये हमारा बन चुका है, मतलब पिघल गया है पूरा कॉपर। तो इसको हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा उसमें कचरा उचरा है तो कार्बन रॉड की सहायता से इसमें मिक्स कर लेंगे। काफ़ी गर्म है यार, इतनी मतलब गर्मी है ये। चलो इसको आराम से निकाल लेते हो, संभल के, काफ़ी डर लगता है कि हाथ में कैमरा है, गिर उर गया तो साला लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कैमरा पहले यहाँ पर रख दिया। अब ये जो साचा है, इसमें मैं इस कॉपर का जो मेल्ट किया है हमने कोयला, उसमें डाल देंगे और एक इसको क्या होगा, बिस्किट का एक शेप आ जाएगा, मतलब आकार आ जाएगा। तो ये इसमें मैंने डाल दिया। तो ये क्या है, मेरे एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है इसलिए थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए नहीं तो ये इसमें कचरा है काफ़ी सारा, वो अलग करना होता है, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है इसलिए। तो ठीक है, डाल देते हैं अब जैसा भी आकार आएगा। लेकिन हमें, हमारा मेन मकसद था इसमें का कॉपर रिकवर करना और इसको यूज़ में लाना, क्योंकि आजकल बाज़ार में आपने देखा होगा अच्छे कॉपर नहीं आता है, तांबा ओरिजिनल नहीं मिलता है। जो कि ये पहला फ़ैन था मेरे पास, अगर आपके पास कोई भी ऐसे पुराने इंस्ट्रूमेंट होंगे तो फेंकिए मत, उसको भंगार में मत दीजिए, इसको यूज़ कर लीजिए, ऐसा रिकवर कर लीजिए। जो कि उसमें का जो तांबा है ना, वो काफ़ी ओरिजिनल आता था पहले, पहले ज़माने में मतलब सस्ता था ना सब कुछ, तो इसलिए जो भी चीज़ बनती थी तो ओरिजिनल ही बनती थी, तब मिलावट का कोई चांस नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अब हर चीज़ में मिलावट आ चुकी है, अब गोल्ड में भी मिलावट होती है जैसे कि आपको पता होगा। तो ये देखिए, इसमें ऊपर एक कार्बन सी कैसी अजीब से ये कचरा बन चुका है, जो मेरे ख्याल से ये जो इसमें कॉइल में जो ये था ना, पॉलिश थी ना, वो पॉलिश का होगा ये। और ये अभी भी काफ़ी गर्म है इसलिए थोड़ा देखते हैं, काफ़ी गर्म है ये अभी भी। चलो पकड़ से पकड़ लिया मैंने इसको, फिर भी देखो कितना कचरा निकल गया, फिर भी गर्म है। देखिए ये इस तरह का एक बिस्किट बन गया, और जो काफ़ी वेटेड है दोस्तों, ये लगभग आधा किलो के आसपास होगा, जो कि हमने इसका पहले वेट किया था तो कुछ तो भी था, ये 465 या कुछ तो भी समथिंग था, जो कि थोड़ा पॉलिश वुलिस कट के थोड़ा कम हो गया होगा। देख लेते हैं क्या है। तो इसको पहले ठंडा करना होगा ताकि हम इसको आराम से पकड़ पाए। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गोल्ड रिकवर की थी, जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड वगैरह होता है ना, उसमें से। तो वो वीडियो भी काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया होता है उसमें भी, लेकिन मेहनत काफ़ी है, उसमें एसिड भी लगता है, तो इसलिए दिक्कत आती है।
तो ये देखिए छल्ले, छोटे छोटे छल्ले बन गए कॉपर के, तो मैंने इसमें बुझा दिए इसको और इस तरह से ये बन गया है। थोड़ा सा मैं आपको इसको क्या करता हूँ, साफ करके बताता हूँ तब ये कैसा दिखता है, आप देख पा रहे होंगे। मैंने इसको थोड़ा सा साफ किया, फिर भी इतना नहीं, चलो इसको थोड़ा सा घिस के देख लेते। ये देखिए अब एक चमक मार रहा है कॉपी, लेकिन कॉपर बहुत ही अच्छा है ये, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और इसको आगे हम क्या करेंगे, यूज़ करना है तो इसको ही करेंगे। इसको अभी थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगा मैं, और अगली वीडियो में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट, काफ़ी लोगों की आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि भाई कॉपर को एसिड प्रूफ करके, मतलब नाइट्रिक प्रूफ, देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट करके। अगली वीडियो देखता हूँ मैं, जैसे समय मिलता हो तो वो डाल देंगे हम। तो ये अभी इसको बाजू में रखा है, तो इसका वजन कर लेते हैं एक बार, कितना है क्या है, ये देखिए कितना ये वेटेड है। जैसे हल्का सा इसको पटक रहा हूँ तो ये काफ़ी वेटेड है ना, इसलिए चलिए इसका वेट कर लेते हैं। 335 ग्राम 36, और ये 370 के आसपास था, और थोड़ा सा बीकर में भी है तो वो देख लेते हैं कितना है। और ये इस तरह का देखिए, एक छोटा सा पीस है ना, इसमें पॉलिश आपको गोल्डन कलर की आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ा फोकस करके दिखा दो। तो इस तरह की ये पॉलिश आ गई, कैसे आ गई पता नहीं। तो एक बार इसमें का वेट कर लेते हैं, कितना हाथ लगा है कॉपर देख लेते एक बार। बीकर का वजन माइनस कर लेंगे, जो कि सेम है दोनों बीकर। अब इसको रख लेंगे, तो ये 113 ग्राम और वो 370 के आसपास था, तो लगभग, मतलब ये देखिए ये 500 ग्राम को कम है थोड़ा सा, जो कि 500, अगर थोड़ा सा और कॉपर होता तो ये 500 हो जाता था, लेकिन कोई बात नहीं, एक फैन में इतना ही निकला है। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम कॉपर को एसिड प्रूफ करने का एक कोई तरीका ढूंढेंगे, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है।